ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS का घोल अब इसका नाम पद्म पुरस्कारों से जुड़ गया है। ORS का इस्तेमाल दुनिया भर में मरीजों में डिहाइड्रेशन की समस्या से निपटने में किया जाता है। ORS को 20वीं सदी में हुई सबसे प्रमुख मेडिकल डिस्कवरी में माना जाता है। जिन फिजिशियन ने ORS तैयार किया और इलाज में इसका इस्तेमाल शुरू किया उनका नाम है डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई तब इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बायोग्राफी में आज इन्हीं के विषय में बात करेंगे। मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। डॉक्टर महालनोबिस का जन्म 12 नवंबर 1934 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने कोलकाता और लंदन में पढ़ाई की। बाद में वह जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के साथ जुड़ गए। वहां उन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी पर रिसर्च किया। 1971 में जब बांग्लादेश से युद्ध छिड़ा तब पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी भारत आते हैं। शरणार्थी शिविरों में पेयजल और साफ सफाई से जुड़ी दिक्कतें थीं। इसके चलते लोग बीमार पड़ने लगे, कालरा और डायरिया फैलने लगा। तब डॉक्टर महालनोबिस और उनके साथी ने बोगांव के ऐसे ही एक कैंप में काम कर रहे थे। उन दिनों डिहाइड्रेशन से निपटने के लिए इंजेक्शन के जरिए फ्लूइड दिए जाते थे। बड़ी मात्रा में इनका उपयोग होने के कारण स्टॉक बड़ी तेजी से खत्म हो रहा था। अपने रिसर्च से डॉक्टर महालनोबिस से यह पता लगा लिया था कि नमक और चीनी का घोल शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखता है। उन्होंने उसी आधार पर नमक और ग्लूकोज को पानी में घोलकर सॉल्यूशन तैयार किया। इसे बड़े बड़े ड्रमों में भरकर रख दिया गया और मरीजों को दिया जाने लगा। और जब मरीजों को इसे नियमित अंतराल पर देते रहे तो उनकी परिस्थिति में काफी सुधार आया। शुरुआत में लोगों को इस सॉल्यूशन पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए लोगों ने इसको जल्दी से स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब WHO को महालनोबिस ने इसकी जानकारी की और उन्होंने इस जानकारी में लिखा कि हमने जो ओरल सॉल्यूशन बनाया है उसमें 22 ग्राम ग्लूकोज, 3.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक और 2.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में मिलाया, यह सबसे सिंपल फॉर्मूला है जिसमें बेहद कम इंग्रेडिएंट हैं। कालरा के मरीजों को इससे बहुत फायदा मिला। इस ORS के उपयोग से शरणार्थी शिविर में मृत्यु दर बहुत कम हो गई थी। हालांकि शुरू में दुनिया भर के डॉक्टरों ने इन पर आरोप लगाए और शंकाएं की, लेकिन आगे चलकर कालरा और डायरिया जैसी बीमारियों के इलाज में ORS का उपयोग फायदेमंद साबित हुआ। भारत में 29 जुलाई को ORS डे के रूप में भी मनाया जाता है। यह कितना उपयोगी साबित हुआ इसका पता इससे चलता है कि मेडिकल जर्नल द लॉसेंट ने ORS को 20वीं सदी में हुई सबसे अहम मेडिकल डिस्कवरी माना। 1975 से 1979 तक डॉक्टर महालनोबिस ने अफगानिस्तान, मिस्र और यमन में कालरा पर काबू पाने के अभियान में हिस्सा लिया। तब वह WHO के अभियान में शामिल थे। 1980 के दशक में डॉक्टर महालनोबिस ने बैक्टीरियल बीमारियों से निपटने से जुड़े रिसर्च में WHO के कंसल्टेंट के रूप में भी काम किया। साल 2002 में डॉक्टर महालनोबिस और डॉक्टर नेथेनील एफ पियर्स को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने पॉलिन प्राइस से नवाजा था। इसे पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों की बीमारियों में इलाज के मामले में नोबल पुरस्कार के बराबर का दर्जा हासिल है। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले साल 16 अक्टूबर को कोलकाता के अस्पताल में उनका निधन हो गया, लेकिन दुनिया भर में लाखों मरीजों के लिए वह हमेशा एक बड़ा सहारा बने रहेंगे। मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे थे द स्वदेश।